आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी 12 बज गया था लगभग, यार काफ़ी लेट हो गया आज नहाने में भी। तो अभी विक्की का कॉल आया था, तो वो ये बोल रहा था कि उसका थोड़ा कंटेंट वगैरह शूट होना था, उसे करना भी था। तो मैं जाता हूँ अभी, उसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, वो क्योंकि हमारा काम ऐसे चलता है, वो मेरी हेल्प करता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, तभी काम हो पाता है यार। तो अभी जाते हैं यार, विक्की भाई से मिलते हैं, और फिर वैसे भी होली तक फिर मिल भी नहीं पाएंगे, वो भी बिज़ी हो जाएगा और मैं भी बिज़ी हो जाऊँगा, तो उससे मिल भी लेते हैं और आगे जो भी करते हैं ब्लॉग में आपको दिखाते हैं। मैं पहले नीचे जाता हूँ, थोड़ा कुछ खा लूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ मिट्टी के पास, फिर आगे आपसे मिलते हैं। हमारे नाश्ते में मम्मी ने बनाई है मेथी आलू की सब्जी और ये ये पूड़ी, पूरी बेटा और ये पापड़ कुछ स्पेशल वाले हैं, कुछ आलू के पापड़ टाइप लग रहे हैं, ये टाइप नहीं कानपुर लगते, से लेकर आलू के आई ही है कल। पापड़ हैं ये, किस चीज़ के? अच्छा आलू के ही पापड़ हैं ये। खाना चलो ठीक है, खाते हैं फिर। बदला जमाना सारा बदली कहानियां, ना बदली है तू ना बदला हूं मैं, ना बदली है प्यार की निशानियां, निशानियां। अकेले हैं तो क्या गम है। A few moments later. तो विक्की आ गया था यार, तो इसका आप थोड़ा कंटेंट वगैरह शूट करवाते हैं। और भाई के पास एक ऐसा टैलेंट है कि यार जब भी मिलो तो भाई हमेशा मुझे वेट कराता है, आज भी वही हुआ। जबकि आज तो मैं इसके कॉल करने के मैं 10 मिनट बाद निकला हूँ, मैं तो वेट कराता ही हूँ। और भाई का बहाना बहुत अच्छा वेट करा है, बस 2 मिनट, उसमें इतनी बार सुनने को मिल रही है मुझे। बहाना बहुत अच्छा होता है कि भाई मैं जिधर से आता हूँ उधर हमेशा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक इधर ढूंढता है। जब हम सड़क पर उतरते हैं ना तो लोग हमारे मतलब आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं सड़कों पे। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, लोग ये वीडियो देखते हैं फिर आशीर्वाद देंगे तुम्हें। आई एम सॉरी। अब जल्दी फटाफट काम निपटाते हैं, वरना तुम्हें तो पता है हम पापा से क्या बोल कर आए हैं। कोई बात नहीं, घर जाएंगे, पता चला उन्होंने हमारी ब्लॉगिंग ही बंद करा दी। ठीक है अंकल जी, प्लीज मत कराना बंद, लड़का बहुत सही आ रहा है, ये लड़का, ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है। अरे भाई ये नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था भाई। ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है, दबा के शेयर करो। चलो जा, अब चलो आगे जो भी करते हैं आपको दिखा रहे हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, टिल देन बाय बाय। विक्की भाई के साथ और कुछ बिना खाए पिए जाओ ऐसा हो नहीं सकता, तो आज यार कुछ खाएंगे तो नहीं, भूख लग नहीं रही थी घर से, मैं खाना खा कर आया था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हमने सोचा यार लस्सी ले लेते हैं, लस्सी पीते हैं। अब यहाँ से देखिए घर जाएगा, मैं भी घर जाऊँगा, काफ़ी लेट हो गया, वरना पापा के आने से पहले मुझे घर पहुँचना था, लेकिन कोई बात नहीं, प्रसाद दे दीजिए, वरना मुझे देखते हैं घर जाके प्रसाद का उनका वाला। चलो फिर आके ले ले। ना 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 क्या बन रहा है अभी? मैदे के फूल बन रहे हैं, खाओगी? मैंने तो खा लिया, खा चुके हूँ। हाँ गजब बेइज्जती है। और ये है, ये टेस्ट ऑलमोस्ट से, और ये क्या है? अच्छा ये मटरी है, ये फ्लावर वाले मटरी बनाने आए हैं क्या? इसको असिस्टेंट बना रखा है क्या? खेलो। कानपुर वाले गए हैं मटरी बनाने आए हैं बरेली? हाँ। वहाँ तो कुछ बनाया नहीं होगा, कुछ बना के रख के आई वहाँ पे? हाँ, कुछ नहीं बनाया, शर्म नहीं आती है। यहाँ देख सकते हैं आप क्या क्या बनाया, ये है मैदे की आटे की मतलब फ्लावर्स वाली मटरी, और ये है मैदे की, तुम्हें सब पता है? हाँ, मेरे मैंने ही बनाया ये। बनाई ना लो तुम? नहीं मैंने हेल्प करवाई है। हाँ हेल्प करवाई होगी ये मालूम है। अच्छा तो ये भी है मैदे के आटे की मतलब मटरी, तो ये मतलब ऐसी है, और वो फ्लावर्स वाली है छोटी छोटी, ये छोटी छोटी है और ये चौड़ी चौड़ी है, सही है, लगे रहो तुम लोग टेस्टी है, लेकिन टेस्टी है, मैं अभी खाएंगे दो। गाइस देखिए यहाँ बातें चल रही हैं, और मतलब शाम हो गई है, तो यहाँ पे चाय और मठरी, तो सब लोग यहाँ खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और वहाँ चाचू वहाँ लेटे हुए हैं, ये बुआ बैठी हुई है, ये मेरी मम्मी है, और ये है बुआ, ये भी मेरी बुआ है, ये भी मेरी बुआ है,
बताया नहीं कि मम्मी बुआ मुझसे सिर्फ लोई बनवा रही थी। हाँ 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 मठरी बनवा रही और रिंकी बुआ से भी बचपन में लोग ने खूब लोई बनवाई, मुझसे भी लोई बनवाई। अरे गुल्ले ये क्या कर रहा है? फोन चाहिए, फोन फोन क्या कर रहे हो गुल्लू? ये तुम कहाँ से सीख के आए हो ये हरकतें? फोन से सीखा है? अभी से यूट्यूब चला रहा है वो। यार मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गया था सुबह, क्योंकि दीदी तो 6 बजे ही रूम के बाहर आ गई। वो बोली, मुझे लगा पता नहीं क्या नॉक क्यों कर रही है, तो देखा तो उसे रूम साफ़ करना था सुबह 6 बजे, रूम की धुलाई करनी थी। फिर उसने मुझे उठा दिया, मेरी भी नींद ख़राब करवा दी, फिर हॉल भी साफ़ करवाया, अपना कमरा भी धुलवाया, मतलब सारे काम सारी सफाई करवाई। फिर उसके बाद मैं नहा के सो गया था थोड़ी देर, अभी जस्ट सो के उठाऊँ तो अब इन लोग को जा रहा हूँ जरा मार्केट छोड़ने। ये लोग मार्केट जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं? वही मार्केट जा रहे हैं, मिठाई लेने के लिए, कलर्स लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए। और मेरे लिए क्या लेने जा रहे हो? तुम्हारे लिए देख लेंगे, कुछ मिल जाएगा। क्या नूडल्स का पैकेट ले आना, दो दो पैकेट सुबह सुबह बना के खाओ। सारे बना लिए मैंने, बनवा भी लिया तुमने मुझसे। तो चलो इन्हें अभी छोड़ कर आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग, फिर जो भी करते हैं। फिर आज जीजा जी भी आ रहे हैं, उनकी ट्रेन भी 5 घंटे लेट है। मस्त अपना ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा ऑफिस गए अभी। गुड इवनिंग गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आज के व्लॉग का एंड करेगी परी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करें, और मिलते हैं हम आप लोगों से अगले व्लॉग। टिल देन बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।